हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्नेहा। आज हम बनाएंगे ये कुर्ती। काफ़ी ट्रेंड में है इस टाइप की कुर्ती, जॉर्जेट फैब्रिक में, फुल स्लीव्स और लेंथ भी फुल, और बहुत ही प्रीटी लगती है ये कुर्ती। इस टाइप की कुर्ती मैंने पहले भी बनाई थी, बट उसके अपर पार्ट में मैंने बिल्कुल सिंपल लुक रखा था, लेकिन इसमें मैंने बॉल स्टिच की है बीच में, ये देखिए। और इस कुर्ती का ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल है, इसमें मैंने कोई भी स्टेप नहीं छोड़ा है, कंप्लीट स्टेप्स है इसमें। वैसे तो मैं सभी वीडियोस में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ही बताती हूँ, बट इसमें मैंने और डिटेल्स भी ऐड की है। और इस कुर्ती में मैंने कुछ पिक्स भी ली है, और ये है कुर्ती की फोटोज़। मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी, सिंपल लुक है और बहुत ही कम्फर्टेबल रहती है पहनने में, 360 डिग्री फ्लेयर है। बाकी आप सबको कैसी लगी आप सब ज़रूर बताना कमेंट करके मुझे। और इस कुर्ती का साइज स्क्रीन पे है। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यूज़ की है एक जॉर्जेट की साड़ी, जिसका फैब्रिक है 5.5 मीटर, और 3 मीटर मैंने साटन फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए। कुर्ती की टोटल लेंथ में 45 इंच रख रही हूँ, अपर पार्ट की 14 और बॉटम पार्ट की 31 इंच, और दोनों को ऐड करेंगे तो 45 इंच। साटन फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे 2 लेयर्स के लिए, और फिर लेंथ वाइज 15 इंच पे मैंने लाइन मार्क कर ली है, और विड्थ वाइज 22 इंच पे लाइन मार्क कर ली है। और ये मैंने किस तरह से लिया है ये स्क्रीन पे मेंशन है, और फिर मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है और मुझे 2 लेयर्स मिली है इस तरह की, देखिए। एक लेयर को हटा देना है और दूसरी लेयर को फोल्ड कर लेना है, और फिर यहाँ 7.5 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। ये लाइन मार्क कर लेंगे, फिर इस लाइन पे मार्क करेंगे 7.5 इंच पे आर्म होल डेप्थ के लिए, और फिर ऐसे बॉक्स बना लेंगे। फिर 1/4 ऑफ चेस्ट करेंगे तो 9 इंच आएगा, तो 9 इंच पे मार्क करेंगे, और उसी तरह 1/4 इंच वेस्ट का करेंगे तो 8 आएगा। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे, और इन पॉइंट्स को भी मिला देंगे। अब आर्म होल पे राउंड मार्क करना है, उसके लिए फ्रेंच कर्व को लेंगे और इस तरह से रखेंगे। जो 9 इंच पे लाइन है वहां से स्टार्ट करना है आर्म होल का राउंड। ये देखिए आर्म होल का राउंड मार्क हो चुका है। अब यहां 1 इंच का स्लोप मार्क कर देंगे, इस तरह से वेस्ट पे 1 इंच का स्लोप मार्क कर लेंगे। नेक लाइन की विड्थ 4 इंच है, 4 इंच पे मार्क कर लेंगे, और डेप्थ 3.5 इंच। मैं नेक लाइन छोटी ही रख रही हूँ, अगर आप नेक लाइन डीप रखना चाहते हैं तो नेक लाइन की डेप्थ 10 इंच ले लीजिए और विड्थ 3 इंच, ऐसे 3 इंच, और फिर ऐसे मार्क कर लेना। और डीप नेक लाइन के लिए शोल्डर 7 इंच ले लेना। अब इस तरह से नेक लाइन को मार्क कर लेंगे, 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। और अब मार्किंग पे कट कर देंगे, ये बैक पार्ट की मार्किंग है। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है और बैक पार्ट कट हो चुका है, ये देखिए। अब जो लेयर रिमूव की थी उसे ले लेंगे और फोल्ड कर लेंगे मिड में से, और अब यहाँ पे 0.5 इंच पे हमें एक लाइन मार्क करनी है। और ये 0.5 इंच पे लाइन मार्क हो चुकी है। अब इस लाइन से 7.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, ऐसे लाइन मार्क कर लेंगे 7.5 इंच पे, और फिर इस लाइन पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ के लिए, और फिर ऐसे बॉक्स बना लेंगे। 1/4 ऑफ चेस्ट 9 इंच है, तो 9 इंच पे मार्क करेंगे, उस लाइन से ही मार्क करना है,
और 1.5 इंच मार्जिन का। फिर इस लाइन से 8 इंच पे मार्क करेंगे वेस्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। अब आर्म होल का राउंड मार्क करना है। पहले इस लाइन से हमें 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना है और अब इस फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे कि आर्म होल का राउंड इस चेस्ट पॉइंट से स्टार्ट होके और इस पॉइंट से गुजरते हुए यहाँ पे एंड हो जाए। नेक लाइन की विड्थ है 4 इंच और नेक लाइन की डेप्थ है 5.5 इंच और फिर इस तरह से राउंड मार्क कर लेंगे नेक लाइन का। 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। और यहाँ वेस्ट पे 1 इंच का स्लोप मार्क कर लेंगे। इस तरह से 1 इंच पे मार्क करके और फिर स्लोप में लाइन मार्क कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। देखिए फ्रंट पार्ट रेडी है कट होके। ये सिर्फ साटन वाला फैब्रिक ही कट हुआ है। अब हमें इसे जॉर्जेट वाले फैब्रिक पे रख के फिर फैब्रिक ग्लू से स्टिक करके कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिए है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। मैंने कॉटन की लाइनिंग भी लगाई है देखिए। और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं तो कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर लिया है जॉर्जेट फैब्रिक शाइन वाले फैब्रिक से। अब फ्रंट पार्ट के मिड के लिए हमें बॉल्स बनानी है। बॉल्स के लिए हम कॉटन लेंगे, जो सिंपल कॉटन आती है वही है ये। ये देखिए कॉटन लेंगे और फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक इस तरह से लेंगे, पहले शाइन वाला और फिर जॉर्जेट वाला। पहले कॉटन की स्मॉल स्मॉल बॉल्स बना लेंगे। फिर इस कॉटन बॉल को दोनों फैब्रिक से इस तरह से कवर कर लेंगे और फिर थ्रेड से इसे टाई अप कर देंगे। इसे यहीं बांध देंगे कॉटन को और फिर कट कर देंगे थ्रेड को। और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर देंगे। और इस तरह से ये एक बॉल रेडी हो चुकी है। और इसी तरह से हमें और बॉल्स भी बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से बनानी है। अब बॉल्स बनने के बाद में हमें इन्हें यहाँ पे स्टिच करना है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये बॉल्स को मैं स्टिच कर रही हूँ, देखिए बिल्कुल पास पास स्टिच करनी है बॉल्स को। इस तरह से स्टिच करेंगे फिर नेक्स्ट को स्टिच कर देंगे। और इस तरह से सभी बॉल्स को स्टिच कर लेना है। ये देखिए मेरी सभी बॉल स्टिच होने ही वाली है। बस ये लास्ट बॉल स्टिच हो गई है और ये मेरी सभी बॉल स्टिच हो चुकी है। देखिए मिड में ये इस साइड बॉल स्टिच होने के बाद में दूसरे पार्ट को उस पर रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इस साइड से स्टिचिंग करनी है हमें। जो बॉल्स वाली स्टिचिंग है उसी पे स्टिच करेंगे ऐसे रख के, और फिर जो स्टिचिंग की हुई है पहले बॉल्स की उसी पे स्टिच करते जाएंगे। ये मैंने स्टिच कर दिया है देखिए, और इंटरलॉक भी कर दिया है मिड में देखिए। और ये मिड पार्ट कंप्लीट स्टिच हो चुका है देखिए। अब नेक लाइन के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसके वन साइड आयरन पेपर को अटैच कर लिया है, जिसकी लेंथ 8 इंच है और विड्थ 11 इंच है। अब इसे हम मिड में से फोल्ड कर लेंगे और फिर फ्रंट साइड की जो नेक लाइन है उस पर रख देंगे। इस तरह से रखना है कि जो मिड लाइन है और फ्रंट पार्ट की जो मिड लाइन है वो बिल्कुल मैच हो। इस तरह से बिल्कुल मैच कर लेंगे और फिर यहाँ नेक लाइन पे स्टिच कर देंगे। ये नेक लाइन पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद में स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देंगे। ये स्मॉल स्मॉल कट्स लग चुके हैं कंप्लीट नेक लाइन पे। अब इस फैब्रिक को टर्न करेंगे और उस पर स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग करनी है, इसे टर्न करके और फिर स्टिच कर देंगे। ये स्टिचिंग हो चुकी है फैब्रिक पे देखिए।
अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देना है राउंड में और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे। फिर इसे ब्लाइंड हेमिंग स्टिच से स्टिच कर देंगे। यहाँ पे किनारे पे हमें ब्लाइंड हेमिंग स्टिच करनी है। ये देखिए नेक लाइन रेडी है फ्रंट पार्ट की, ब्लाइंड हेमिंग स्टिच कर दी है मैंने, जिसे तुरपाई कहते हैं वो हो चुकी है कंप्लीट नेक लाइन पे और फ्रंट नेक लाइन रेडी है। अब बैक पार्ट को लेंगे और एक एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है मैंने जिसकी लेंथ 8 इंच है और उसे मैंने नेक लाइन से स्टिक कर दिया है। अब नेक लाइन पे स्टिचिंग कर देंगे। ये नेक लाइन पे स्टिचिंग हो चुकी है, अब नेक लाइन पे स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देंगे। फिर इस फैब्रिक को टर्न करेंगे और इस पे स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग करनी है, फिर इस फैब्रिक को यहाँ से फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे। इसकी जो बॉटम है उसे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। ये फैब्रिक टर्न होके स्टिच हो चुका है और इसकी बॉटम भी फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था शोल्डर से वो भी मैंने कट कर दिया है यहाँ से और यहाँ से। ये देखिए अब ये बैक नेक लाइन भी रेडी है। फ्रंट पार्ट पे और बैक पार्ट पे डार्ट स्टिच कर लेनी है। ये देखिए मैंने डार्ट स्टिच कर ली है, मिड पॉइंट से 3.5 इंच पे स्टिच की है और डार्ट की लेंथ है 5 इंच। इसी तरह से हमें बैक पार्ट पे भी स्टिच कर लेनी है। ये फ्रंट पार्ट की है और ये बैक पार्ट की है और बैक पार्ट की डार्ट का मेजरमेंट भी सेम है, मिड पॉइंट से 3.5 इंच पे और डार्ट की लेंथ है 5 इंच। अब बैक पार्ट लेना है और उस पर फ्रंट पार्ट को रखना है इस तरह से और फिर जो बैक पार्ट पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक स्टिच किया था उसे फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से लाएंगे और फिर शोल्डर को स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड का शोल्डर भी स्टिच कर लेंगे। ये शोल्डर की इनविजिबल स्टिचिंग के लिए है और ये शोल्डर पे स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए ये अंदर की साइड है जहाँ पे शोल्डर की स्टिचिंग नहीं दिखेगी, ये देखिए, और ये बाहर की साइड है। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है डबल लेयर में जिसकी लेंथ है 23.5 इंच, 22 रेडी है और 1.5 इंच स्टिचिंग के लिए है और इसकी विड्थ है 17 इंच। फिर इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करना है और इस साइड भी 4 इंच पे मार्क करेंगे और फिर स्लीव्स का कर्व मार्क कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स का कर्व मार्क कर लेंगे। स्लीव्स के बॉटम पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे 1 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए है कटिंग, जो स्लीव्स की फ्रंट साइड होगी उस साइड की है ये कटिंग। हम 2 लेयर्स को मार्किंग पे कट कर देंगे। ये देखिए 2 लेयर्स को मार्किंग पे कट कर लिया है और स्लीव्स कट हो चुकी है। अब स्लीव्स की बॉटम को छोटा छोटा फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे। ये स्लीव्स की बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब अपर पार्ट को लेंगे और स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। ये कटिंग जो थी ये फ्रंट साइड की तरफ, इसे फ्रंट साइड की तरफ रखेंगे और स्लीव्स के मिड पॉइंट को शोल्डर पॉइंट से मिला के और फिर दोनों साइड स्लीव्स को स्टिच कर देंगे और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर देंगे। ये दोनों स्लीव स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब अपर पार्ट की साइड्स को मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिच कर देंगे।
जैसे 1/2 ऑफ चेस्ट 36 18 इंच होगा, तो मिड पॉइंट के दोनों तरफ 9-9 इंच पे मार्क करेंगे और फिर मार्किंग पे स्टिच कर देंगे। और ये मार्किंग पे स्टिचिंग हो चुकी है, देखिए साइड स्टिच हो चुकी है अपर पार्ट की। और ये वेस्ट पे देखिए 16 इंच है, हाफ ऑफ 32 वेस्ट 16 इंच होता है। अब इस अपर पार्ट को सीधा कर लेंगे। ये देखिए अपर पार्ट की साइड स्टिच होने के बाद में अपर पार्ट रेडी है कंप्लीट। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करते हैं। अब मैं आपको बॉटम पार्ट की कटिंग कैसे करनी है वो इस पेपर पे बता रही हूं। पहले फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को और फिर दोबारा फोल्ड कर लेंगे और हमें 4 लेयर्स मिलेंगी फैब्रिक की, इस तरह से देखिए। फिर उसके बाद में इस कॉर्नर से 5.5 इंच पे इस तरह से राउंड मार्क करना है। फिर इस लाइन से 33 इंच पे मार्क करनी है एक लाइन, वो भी राउंड में। फिर इन पॉइंट्स को मिला देंगे। इस पार्ट की लेंथ 5.5 इंच है और इस पार्ट की लेंथ 33 इंच है। ये बॉटम की लेंथ है 31 रेडी और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए और बॉटम में जो हम इक्वल की कटिंग करेंगे उसके लिए। फिर इस तरह से मार्किंग पे कट कर लेंगे तो हमें 360 डिग्री का फ्लेयर मिल जाएगा, 2 पीस मिलेंगे 180 डिग्री के इस तरह से। ये देखिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और मुझे 4 लेयर्स मिली है। अब इस कॉर्नर से मैं मार्क करूंगी 5.5 इंच पे, ऐसे मार्क करके और फिर राउंड मार्क कर लेंगे पॉइंट्स को मिलाते हुए। अब इस लाइन से 33 इंच पे मार्क करेंगे, जैसे पेपर पे मार्क किया था सेम उसी तरह। ये मैंने मार्किंग कर ली है देखिए, और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये कटिंग हो चुकी है देखिए, जैसे पेपर के पीसेस मिले हैं हमें उसी तरह से हमें जॉर्जेट फैब्रिक के पीसेस भी मिले हैं। ये देखिए इस तरह से 4 लेयर्स है ना, अब इस फैब्रिक की भी 4 लेयर्स है तो हमें 360 डिग्री का फ्लेयर मिल गया है जॉर्जेट फैब्रिक का। अब इसकी वेस्ट पे हमें इस तरह से गैदर करके और फिर रबर बैंड से टाई अप कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी बॉटम को इक्वल करना है। इस तरह से रबर बैंड को टाई अप कर देंगे। फिर इसको कहीं पे भी जहां पे आपको स्ट्रेट सरफेस मिले वहां पे इसे लटका देना है इस तरह से। ये देखिए इसकी जो बॉटम है वो कितनी अनइक्वल है, अब हमें इसे इक्वल करना है। इस तरह से स्केल लेंगे और फिर लाइन मार्क कर लेंगे स्ट्रेट बॉटम के लिए, या फिर इसे इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे इक्वल पकड़ के और फिर ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। ऐसे कट कर लेंगे और फिर इसकी बॉटम को देखेंगे, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कट हो चुका है। अब इसकी बॉटम को देखेंगे, अगर और अनइक्वल लगता है तो फिर उसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और ये बॉटम कट हो चुकी है देखिए, बिल्कुल इक्वल हो चुकी है बॉटम। और ये इक्वली कट होने के बाद में देखिए कितनी खूबसूरत लगती है। और ये मैंने बॉटम इक्वली कट कर ली है, अब रबर बैंड को हटा देंगे और जो इसकी साइड्स हैं उन्हें स्टिच कर देंगे। जैसे ये पेपर को रख रही हूँ मैं उसी तरह से रखना है फैब्रिक को, इस तरह से रखेंगे और फिर इसकी साइड्स को स्टिच कर देंगे। ये जॉर्जेट फैब्रिक की साइड स्टिच हो चुकी है देखिए। ये साइड स्टिच होने के बाद में 360 का फ्लेयर मिल जाएगा हमें, ये देखिए। ये हो गया ना 360 डिग्री का फ्लेयर। अब साटन फैब्रिक को लेंगे और फोल्ड कर लेंगे, हमें 2 लेयर्स मिलेंगी। फिर इस कॉर्नर से 10 इंच पे लाइन मार्क करनी है, इस तरह से कॉर्नर से 10 इंच पे मार्क करेंगे पॉइंट्स।
और फिर उन पॉइंट्स को मिला देंगे। ये मार्किंग हो चुकी है और मैंने मार्किंग पे कट भी कर दिया है। देखिए अब यहाँ से 32 इंच पे मार्क करेंगे। हमने जॉर्जेट वाला 33 इंच कट किया था, ये 32 ही करेंगे क्योंकि लाइनिंग को थोड़ा सा छोटा रखना है जॉर्जेट फैब्रिक से इसलिए। और ये कटिंग हो चुकी है, साटन वाले फैब्रिक की लेंथ 32 इंच है देखिए। अब इसे भी इक्वल करने के लिए हम वेस्ट पे से गैदर करके और फिर लटका देंगे। ये देखिए ये भी अनइक्वल है बॉटम से, तो अब इसको भी इक्वल कर देंगे। इस तरह से इकट्ठा करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है और साटन फैब्रिक की बॉटम भी ये देखिए बिल्कुल इक्वली कट हो चुकी है। अब साटन फैब्रिक की साइड्स को स्टिच कर देना है। इसकी एक ही साइड ओपन है तो यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। ये साटन फैब्रिक की साइड स्टिच हो चुकी है देखिए। साटन फैब्रिक का फ्लेयर मैंने कम ही रखा है, आप चाहे तो 360 भी रख सकते हैं। अब साटन वाला बॉटम पार्ट लेंगे और उस पर जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक का बॉटम पार्ट था उसे रख देंगे और फिर इनकी साइड्स को अटैच कर देंगे। जो साटन फैब्रिक की वेस्ट लाइन है वो बिल्कुल इक्वल है अपर पार्ट वाले से, ये देखिए 16 इंच आई है। लेकिन जॉर्जेट फैब्रिक की जो वेस्ट लाइन है वो थोड़ी एक्स्ट्रा है तो हमें उसे स्टिच करना पड़ेगा पहले। तो पहले साइड्स को अटैच कर लेंगे। ये मैंने साइड्स को अटैच कर लिया है ऑल पिन से देखिए। जो साटिन वाली की साइड्स थी उसे जॉर्जेट वाले फैब्रिक की साइड से अटैच करके और फिर स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग करनी है देखिए, पहले साटन वाला फैब्रिक फिर उसके ऊपर जॉर्जेट वाला फैब्रिक रखेंगे। बट जॉर्जेट वाले फैब्रिक को थोड़ा हल्के हाथ ही रखना है, मतलब उसे थोड़ा मशीन की तरफ हम पुश करते जाएंगे और फिर स्टिचिंग कर देंगे। प्लीट्स नहीं बनेंगी लेकिन फैब्रिक हल्का सा इकट्ठा होगा जिससे उसमें प्लीट्स वाला लुक आएगा। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का फैब्रिक को हमें पुश करते जाना है, सिर्फ जॉर्जेट फैब्रिक को ही करना है क्योंकि साटन वाला तो वेस्ट लाइन के इक्वल है। इस तरह से हल्का हल्का सा पुश करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। और ये वेस्ट लाइन पे स्टिचिंग कंप्लीट होने ही वाली है देखिए। इस तरह से हल्का हल्का एक्स्ट्रा आएगा तो हमें उसे एडजस्ट करके और फिर स्टिच करना है। ये देखिए वेस्ट लाइन पे स्टिचिंग हो चुकी है, साटन वाला फैब्रिक जॉर्जेट वाले फैब्रिक से अटैच हो चुका है ये देखिए। अब बॉटम पार्ट को अपर पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से पहले उल्टा कर लिया है मैंने बॉटम वाले पार्ट को, फिर अपर वाले पार्ट को उसके अंदर डालेंगे और फिर साइड्स को अटैच कर देंगे। पहले दोनों साइड्स को अटैच कर देंगे और फिर वेस्ट लाइन पे स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से ऑल पिन से अटैच कर देंगे और फिर अगर हल्का फुल्का वेस्ट लाइन पे आपको फैब्रिक एक्स्ट्रा मिले तो छोटी छोटी प्लीट्स डाल देना आप। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का एडजस्ट करके ही स्टिचिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वेस्ट लाइन हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट की है ताकि गैदर ना होते हुए भी थोड़ा गैदर वाला लुक आए। उसके लिए हमें क्या होता है, वेस्ट लाइन पे फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना होता है। और ये वेस्ट लाइन पे स्टिचिंग हो चुकी है देखिए, बॉटम पार्ट अपर पार्ट के साथ अटैच हो चुका है। अब जो साटन वाले फैब्रिक की बॉटम है उसे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। इस तरह से सिंपली फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। लेकिन जॉर्जेट फैब्रिक की बॉटम के लिए मैंने हाफ मीटर फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है शाइन वाला और फिर उसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे 3 इंच विड्थ की। ऐसे 3 इंच पे मार्क करेंगे लाइन्स को और फिर लाइन पे कटिंग कर देंगे। और ये स्ट्रिप्स कट हो चुकी है देखिए, और मैंने इनके एंड्स को भी स्टिच कर लिया है। ये देखिए एंड स्टिच हो चुके हैं। अब इस स्ट्रिप को जो जॉर्जेट वाले फैब्रिक की बॉटम है उस पर स्टिच कर देना है। ऐसे यहाँ पे रखेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग होने के बाद में फिर इस स्ट्रिप को इस तरह से टर्न करेंगे और इस स्ट्रिप पे स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग करनी है, फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये बॉर्डर टाइप का बन जाएगा बॉटम में, ये देखिए।
ये बॉटम में स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब इस स्ट्रिप को टर्न करेंगे और इस पर स्टिचिंग करेंगे। ऐसी स्टिचिंग करनी है, कंप्लीट बॉटम पे इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे स्ट्रिप पे। ऐसे स्टिच करने के बाद में इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग करनी है और इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ स्टिचिंग करते वक्त अगर आपको ये फैब्रिक थोड़ा लूज लगे तो आप इसमें स्मॉल स्मॉल प्लीट्स भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और इस कुर्ती का फाइनल लुक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।